हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल लिप्सिकास लाइफस्टाइल में। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और सुबह का टाइम में देखिए कितना सारा धूप दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ही गर्मी है कुछ दिनों से। तो आज मैं जा रही हूँ, मेरी बेटी का जो मानती था जैसे कि मैंने पहले बोला था तो वो देने, तो आज मैं अकेले जा रही हूँ क्योंकि उस मंदिर में आज कुछ पूजा है तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ होगा। तो उसको ले जाकर थोड़ा सा दिक्कत होगा इतनी गर्मी में, तो मैं ही जाके उसका जो मानती था वो करके आ जाती हूँ। इतना गर्मी में बच्ची को क्या दिक्कत देना। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाती हूँ। मैं भी छोटे से इस मंदिर को बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ। कुछ भी हो जाए मंदिर, ये मतलब ये भगवान मुँह में सबसे पहले आ जाता है। तो चलिए आज आप सबको दिखाती हूँ हम लोग का यहाँ का ये मंदिर। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पे मैं मंदिर आ चुकी हूँ और आज के दिन मंदिर में भी पूजा है क्योंकि आज लखन बाबा का जन्मदिन का उद्यापन पूजा है जो कि यहाँ पे हर साल ही होता है। तो हर साल थोड़ा डेट इधर उधर होता है, मतलब कुछ हिसाब से डेट का इधर उधर हो जाता है, लेकिन हर साल ही जन्मदिन अच्छे से मनाया जाता है। तो और मेरा पूजा वगैरह देना हो गया है तो मैंने सोचा कि आप सबको ये मंदिर दिखा देती हूँ। और आज बहुत सुंदर से मंदिर को सजाया गया है एकदम से। और ये भगवान मैं आप सबको बता देती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा और किससे ज़्यादा भगवान को मानती हूँ तो यही है लोकनाथ बाबा। तो शायद बहुत लोग नाम ना भी सुने हो, क्यों तो लोकनाथ बाबा भगवान है ये। तो मैं इनको बहुत ज़्यादा ही मानती हूँ पहले से ही क्योंकि बचपन से इन्हीं को घर के सामने से देखा है। तो मैं सबसे ज़्यादा कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होता है तो मेरे मुंह में सबसे पहले यही आता है कि हे भगवान, हे लोकनाथ बाबा, पहले मेरे सबको ठीक रखना। तो ऐसे करके है। तो मेरा पूजा वगैरह देना हो गया है तो मैं अभी आई हूँ थोड़ा सा मार्केट में। तो यहाँ पे जा रही हूँ मैं बड़े पापा का दुकान में, वहाँ पर थोड़ा दीदी के साथ थोड़ा बातें वगैरह करूँगी, फिर मैं अपने घर जाऊँगी। और देखिए यहाँ पे मार्केट में जा रही हूँ तो अभी थोड़ा सा जा रही हूँ बेकरी में, कुछ कुछ सामान मुझे लेना है। देखती हूँ, बहुत दिन नहीं गई हूँ तो मैं जब भी आती हूँ इस बेकरी में ज़रूर ही जाती हूँ कुछ कुछ ख़रीदने के लिए। मेरा मनपसंद जो भी अच्छा लगता है वो मैं ख़रीदने जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है और मुझे जो जो अच्छा लगा मैं ले रही हूँ। तो उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। और आज का दिन मैं 1 घंटे से दुकान में बैठी थी तो ऐसे करके अच्छा लग रहा था। और देखिए ना, मायके में आए हुए मुझे, मायके जब आने का होता है तो समय जाता ही नहीं है और अभी मुझे 15 दिन के लिए मैं आने वाली थी तो अभी कैसे 9 दिन चला गया पता ही नहीं चला। अभी सिर्फ और 1 ही सप्ताह मेरे पास बचा हुआ है। तो अभी जा रही हूँ घर और घर जाके मिलती हूँ आप सब से। घर पहुँच जाती हूँ, अभी रिक्शा में मैं उठ गई हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए। पहुँच गई हूँ घर क्योंकि मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था क्योंकि बिना खाए के ही मंदिर जाते हैं ना, तो ऐसे ही गई थी। तो आते ही मैं नाश्ता करने लग गई हूँ, मेरा सबसे फेवरेट नाश्ता ब्रेड बटर, तो वही करने लग गई हूँ। तो आज का ब्लॉग और लॉन्ग नहीं करती हूँ, मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग में। तब तक आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।